हे गाइस, यहाँ पर अगर आपके पास पोको X3 का डिवाइस है, पोको M2 Pro का डिवाइस है, तो गाइस यहाँ पर काफी यूजर के मेरे पर कमेंट्स आ रहे हैं, हमें एंड्रॉयड 11 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, MIUI 12.5 अपडेट के साथ मिलेगा या फिर उससे पहले एंड्रॉयड 11 का अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पोको M2 Pro के बारे में, पोको X3 के बारे में, साथ ही रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के बारे में, कब तक आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट देखने के लिए मिल सकता है या फिर MIUI 12 का अपडेट, उसके बारे में बताऊंगा। छोटा सा इन तक बने रहना गाइस। अगर आप लोगों के पास इनमें से कोई भी डिवाइस है, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स का डिवाइस हो गया, पोको M2 प्रो है, पोको M2 है, पोको X3 का डिवाइस है, अगर आप लोग इस चैनल पर भी नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक नीचे लाल बटन देखने के मिल रहा है जिस पे लिखा है सब्सक्राइब, उसको प्रेस कर लो ताकि आपके डिवाइस में जैसे ही अपडेट आएगा आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे एंड्रॉइड 11 अपडेट के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता होगा MIUI 12.5 जब लॉन्च किया गया ग्लोबल में भी, तो यहां पर भी कुछ डिवाइस की लिस्ट देखने के लिए मिली थी जिसमें पोको X3 का नाम था, उसके अलावा और कोई डिवाइस का नाम देखने के लिए नहीं मिलता था पोको सीरीज में। बट गाइज यहां पर MIUI 12.5 के साथ कुछ डिवाइसों को एंड्रॉइड 11 का अपडेट भी देखने के लिए मिलने वाला, जैसे कि रेडमी नोट 8 का डिवाइस हो गया या फिर रेडमी नोट 8 प्रो का डिवाइस हो गया। लेकिन गाइज यहां पर कुछ डिवाइस ऐसे जिनको सबसे पहले एंड्रॉइड 11 का अपडेट देखने को मिलेगा, उसके बाद MIUI 12.5 का अपडेट देखने के लिए मिलेगा। अब क्यों गाइस? क्योंकि यहां पर उनके लिए ऑलरेडी एंड्रॉइड 11 की स्टेबल की टेस्टिंग चल रही है और वो कंप्लीट होते ही पहले आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर कौन से डिवाइस है? तो यहां पर जैसे कि स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हो, यहां पर पूरे डिवाइसों की लिस्ट है एंड्रॉइड 11 के बारे में, बताए कौन से डिवाइस के लिए कौन सी टेस्टिंग चल रही है। यहां पर ये जो स्टेबल की टेस्टिंग अगर आप लोग देख सकते हो, सेंटर में जो लिखा गया है डिवाइस की, जो इन डिवाइसों की लिस्ट है, इनके लिए स्टेबल की टेस्टिंग चल रही है जिसमें आपको पोको X3 का नाम देखने के मिलता है, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स का नाम देखने के मिलता है, रेडमी नोट 9 का नाम देखने के मिलेगा, पोको M2 प्रो का भी नाम आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। इसका मतलब गाइज यहां पर इन डिवाइसों के लिए अभी जो एंड्रॉइड 11 का अपडेट है बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि यहां पर इनकी स्टेबल टेस्टिंग चल रही है। यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये जो टेस्टिंग है ऐसा नहीं कि अभी तक चली रही, कुछ डिवाइसों को इसको कंप्लीट भी कर दिया, बस इसको रोल आउट होना रह गया। जी हां गाइस, यहां पर मेरे ख्याल से अगर आपके पास पोको X3 का डिवाइस है तो आपको अपकमिंग जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा उसमें आपको डायरेक्ट एंड्रॉइड 11 अपडेट मिलने वाला है। जी हां गाइस, उसके बाद यहां पर रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स है, इन दो डिवाइसों के लिए तो सबसे पहले आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट ही देखने के लिए मिलेगा, बाकी कुछ डिवाइस जिनको MIUI 12.5 अपडेट के साथ ही देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन गाइस अब यहां पर ये अपडेट मिलेगा कब तक? तो गाइस यहां पर ये अपडेट है आपको फरवरी एंड तक कभी भी अपडेट्स देखने के लिए मिल सकता है, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में, पोको X3 में कभी भी अपडेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, और बाकी डिवाइसों के लिए नेक्स्ट मंथ में देखने के लिए मिल सकता है। और कुछ डिवाइस ऐसे गाइस जिनको MIUI 12.5 जब इंडिया में देखने के लिए मिलेगा तो उसी के साथ एंड्रॉइड 11 का अपडेट देखने के लिए मिलेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पोको M2 प्रो का डिवाइस है तो यहां पर आपको नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ेगा, यहां पर थोड़ा सा वेट करो, इस मंथ के एंड तक कुछ यूजर को अपडेट देखने के लिए मिल सकता है आपकी डिवाइस में, नहीं भी मिला तो आपको फर्स्ट वीक में तो जरूर देखने के लिए मिल जाएगा नेक्स्ट मंथ के, तो थोड़ा सा वेट करो। तब तक के लिए गाइस यहां पर क्या करना है, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लेना है, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लेना, चैनल को अभी भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब लिखा, फटाफट से जाकर प्रेस कर दो ताकि जैसे आपके डिवाइस में अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, आप लोग अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। फिलहाल के गाइस यहां पर इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।